आप जा तो रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके पीछे आपका पूरा परिवार, मैं और आपका आने वाला बच्चा भी है। मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पीछे मेरी पूरी दुनिया है, मेरा परिवार। लेकिन अभी बात पूरे देश की है और उन बच्चों की जो स्कूल में फंसे हुए हैं। मेरे को पता है ये आपका फर्ज है और इसी फर्ज को निभाने के लिए आप आज तक अंडर कवर रहे, ताकि सही समय आने पर इस देश के लिए चट्टान बनकर खड़े रह सको। आपसे मेरे को यही उम्मीद थी कि आप मेरे को हिम्मत दोगे ताकि मैं अपना ये मिशन अच्छे से पूरा कर सकूं। विश्वास है मेरे को आप कर सकते हो और आप करोगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। किसी ने कुछ भी चलाकी करने की कोशिश करी तो एक की वजह से सबकी जान जाएगी। लेकिन हमने किया क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ किया है। तुम जैसे बच्चे ही स्कूलों में पढ़ते हैं और फिर जाके फौजी बन जाते हैं, ताकि तुम जाके बॉर्डर पे खड़े हो सको। हम अपने देश से प्यार करते हैं। अब बोल क्या करता है? अतुल, तो क्या रिपोर्ट है फिलहाल यहाँ की? सर, मोस्टली बच्चे और टीचर्स तो बाहर आ चुके हैं, बट अभी आई गेस एक टीचर और कुछ बच्चे अंदर ही फंसे हुए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं वो? 3 से 4 होंगे सर। शायद नहीं, कंफर्म बताओ कितने लोग हैं। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 3 कंफर्म हो चुके हैं और 1 से 2 और हो सकते हैं, अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बोला था रेडी है? जी सर, रेडी है। शो मी। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा, तो इस स्कूल के 4 गेट हैं। यस। ये गेट नंबर 1 है, ये पड़ता है रोड फ्रंट, और ये गेट नंबर 2 फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन। और कौन से गेट से ये लोग एंटर हुए थे? सर, सिक्योरिटी टीम से पता लगा है कि ये लोग गेट नंबर 3 से एंटर हुए हैं, क्योंकि बाकी सब गेट कल से बंद है। अच्छा, तो इन्होंने एंटर होते ही फायरिंग शुरू कर दी? नहीं सर, ये लोग एज अ टेररिस्ट एंटर नहीं हुए हैं, ये एज अ सिविलियन एंटर हुए हैं, क्योंकि इनकी कोई फुटेज भी नहीं आई है सीसीटीवी पे। तो फिर पता कैसे लगाएं कि ये लोग स्कूल में एंटर कैसे हुए थे? सिक्योरिटी ऑफिस कहाँ है स्कूल का? उस तरफ है सर, क्या हुआ? चलो मेरे साथ, मेरे को कल से आज तक की गेट नंबर 3 की सारी फुटेज चाहिए। ठीक है सर, चलिए आप मेरे साथ चलते हैं। ये हैं वो 3। ये 3? बट सर, ये तो नॉर्मल लोग हैं जो किसी ना किसी काम से यहाँ पे आए हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये हैं स्लीपर सेल्स जो कि अभी एक्टिव हो चुके हैं और इन्होंने ही स्कूल को हाईजैक किया है। सर, इतना श्योरिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि ये ही वो टेररिस्ट हैं? इनके स्कूल के अंदर आने का तरीका बता रहा है वो तो। इसका मतलब ये 3 लोग हैं? नहीं, 3 नहीं,
ये चार हैं। चार कैसे? दिस टीचर। लेकिन ये तो टीचर है। He is also a sleeper cell. Now listen carefully. लगता है स्कूल वालों ने तलाक कर दिया है बाहर फोर्स को। तुम्हें कैसे पता? जिस तरह की हलचल नीचे हो रही है उसे यही लग रहा है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अरे ओए, इधर आ। मैं? अबे तू नहीं, पीछे वाला। तू बाहर जा और जाके कह दे किसी को भी खबर करने की जरूरत करी तो सबके सब मारे जाओगे। इसने बाहर जाके कुछ चलाकी कर दी तो इसका भी इलाज है मेरे पास। वहीं रुक जाओ वरना सब मारे जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, किसी को भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझ पे बम लगा दिया है, अगर किसी ने भी टच किया तो सब मारे जाएंगे। क्या? ये आतंकवादी चाहते क्या हैं? उन्होंने ये कहा है अगर बाहर किसी को भी खबर की तो सबको मार देंगे। सर मैं कोशिश करूं बम को डिफ्यूज करने की। नहीं, मैं नहीं चाहता हमारी किसी भी गलती की वजह से स्कूल में फंसे हुए बच्चों की जान जाए। और हाँ, तुम जाके उन्हें कह दो हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, सब बच्चों को छोड़ दें। ठीक है। इन आतंकवादियों ने हमारी नाक में इतना दम कर रखा है मेरे को तो समझ ही नहीं आता। और जबकि इनको पता है इनके हाथ में कश्मीर तो क्या, कश्मीर का के भी नहीं आएगा। इतने लोगों को इन्होंने ढाल बना रखा है, हमें किसी भी तरीके से इन तक पहुंचना होगा सर, और वो भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए। अपनी जान की परवाह होती तो हम यहाँ आते ही क्यों? और वैसे भी यहाँ पे एक इंडियन आर्मी तो है जो अपने देश के लिए सबसे पहले आगे आती है। आप सब लोग बिल्डिंग से दूर ही रहना और किसी भी तरीके की आवाज आती है तो बिल्डिंग से निकल जाना। तुम एक काम करो, तुम उस साइड को कवर करो। ठीक है सर। मैं सेकंड साइड कवर करता हूं। ओके। एक बात का ध्यान रखना, हमें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और अगर तुम में से कोई ऊपर आया तो इनके जान के जिम्मेदार तुम होगे। तुम इन सबको छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम किसी को भी मत मारो, हम जा रहे हैं। लेकिन सर उन्हें पता कैसे चला कि हम ऊपर जा रहे हैं? यही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसे हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? एक मिनट, जहां तक मैं सोच रहा हूं ना वैसा हो सकता है। मार्शल को लेकर आते हैं। हमें ना किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करनी। इफ यू हैव टू से एनीथिंग जस्ट से विद एक्शन। ओके। वैसे सर जो काम मार्शल ने कर दिया वो हम तो कभी भी नहीं कर पाते। बस इसीलिए तो इन्हें इंसान से ज्यादा समझदार और वफादार कहा जाता है,
जितना एक आर्मी का ऑफिसर अपने देश के लिए करता है उतना एक आर्मी का डॉग भी, जैसा कि आज मार्शल ने किया। हाँ, मार्शल ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब हमारी बारी है। बिल्कुल, जीत हमारी और हमारे देश की होगी। के वापिस चले गए। हम पाकिस्तान वालों से तेज नहीं है हिंदुस्तानी, तभी तो इनसे हम अपना कश्मीर छीन लेंगे। सपने देखना छोड़ दो। नहीं, इनको ऐसे नहीं मारना, यही तो हमारी ढाल है। हम इंडिया वाले मर सकते हैं लेकिन तुम जैसे भी ढाल नहीं बन सकते। कितना गर्म खून है इनका, कुछ टाइम और सब बह जाएगा। नबील, जाकर पानी लेकर आओ और कुछ भी हलचल लगे ना बस इत्तला कर देना। खुर्रम भाईजान, आप बेखौफ हो जाएं। बता, और कौन कौन है तेरे साथ, कौन कौन है तुम स्लीपर सेल? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? सर, वो तो कुछ बताने को रेडी नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर ली मैंने। अरे तुमने उसे अकेला की छोड़ दिया। ओह शिट। इनका एक ही आदमी हाथ लगा था और वो भी खुदकुशी कर गया। बहुत तेज होते हैं लोग। ये नबील कहां रह गया, कहीं फंस तो नहीं गया? नबील खुद कुर्बान हो सकता है लेकिन फंस नहीं सकता। वकार, जाओ देख कर आओ। कहाँ है नबील? वो भाईजान, कहाँ है नबील? वो नबील पीछे बैठ के बिरयानी खा रहा था। बिरयानी खा रहा था? लेकिन बिरयानी कहाँ से आई उसके पास? वो शायद पका कर लाया था। नबील ने मुझे भी जिक्र नहीं किया बिरयानी का, ये उसकी ठीक बात नहीं है। बात तो गलत है उसकी, पूछना तो हमसे भी चाहिए था। खुर्रम भाईजान, अभी हम दोनों चले जाते हैं, जैसे हम आएंगे फिर आप चले जाना। ठीक है, बिरयानी के लालच में ये मत भूल जाना हमारा मकसद क्या है। बिल्कुल। और हाँ, सारी टंगड़ी मत खा जाना, नहीं तो तुम्हारी टंगड़ी तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। एक गटर का कीड़ा तो खुद ही मर गया, दो ये रहे, एक रहता है उसको भी बाहर निकालना है किसी भी किसी तरीके से। वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। वो कैसे? वो कहते हैं ना, कुत्ते को जितनी दूर से रोटी फेंकोगे उतनी जल्दी पास आएगा, और ये बात कुत्तों के लिए नहीं थी। ये तीनों इतने बड़े आलसी हो गए हैं, ऐसी बिरयानी किसको दी जाती है? कुत्तों को। बहुत अच्छे से पता है कुत्तों का। कुत्तों का तो नहीं लेकिन आवारा कुत्तों का बहुत अच्छे से पता है। कोई बात नहीं, पहले बिरयानी खा लूं फिर देखता हूं तुमको अच्छे से। हिंदुस्तान की आर्मी का पैर है,
इतनी आसानी से नहीं हटेगा। इतना ही घमंड है तो फेंक दे बंदूक, कर ले दो दो हाथ। क्या चाहिए तुम्हें? कश्मीर। अब बोल क्या चाहिए? कश्मीर। आज के बाद तो तब कश्मीर का नाम लोगे ना, जब तुम जैसों को छोड़ेंगे। सर वायरलेस कर देता हूँ, एक मारा गया और तीन हमने पकड़ लिए हैं। लेकिन फिर होगा क्या? फाइल ओपन होगी और इनको फांसी हो जाएगी। उस फांसी में अपनी सरकार का इतना पैसा क्यों लगवाना इन जाहिलों के लिए? फिर क्या कर सकते हैं सर? करना क्या है, काफी अच्छा मटेरियल है हमारी गन्स का, एक गोली लगेगी ना तो दूसरी तक नहीं मांगेंगे। अच्छा। सही कह रहे थे सर, दूसरी तो मांगी भी नहीं। और हाँ, वो टाइम और था जब दूध मांगने वाले को खीर दी जाती थी और कश्मीर मांगने वाले को चीर दिया जाता था। लेकिन ये टाइम और है, खीर का तो पता नहीं लेकिन कश्मीर मांगने वाले को आज भी चीरा जाएगा।